नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सर डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में हम बात कर रहे हैं पब्लिक से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका सर डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिंसा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दयारानी। कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ? मेरे को 43 साल हो गए। कितना विश्वास करते गुरु जी के ऊपर? विश्वास तो इतना है, अभी बता नहीं सकते इतना विश्वास है। क्यों विश्वास करते हैं? कि हम, मैं तो सही बता रही कि मैं किसी लायक नहीं थी। पिताजी ने इतना कुछ दिया कि हम बता भी नहीं सकते। आप विश्वास क्यों करते हैं? मतलब आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया जो आज लाइफ में? तो बताया ना कि मतलब ऐसी जगह पे थी कि जहाँ मतलब नीचे गिरे हुए, मतलब इसने पिताजी ने ही उठाया और आज ऐसी जगह पे हैं पिताजी की रहमत से कि बता नहीं सकती। किस तरीके के काम गुरुजी ने समाज के लिए किया? पिताजी ने तो बहुत करे हैं, जो आज तक हमने 40 साल हो गए डेरे में आते, कहीं से कोई सुना नहीं कि उस संत ने ऐसा किया है जो वो हमारे सतगुरु ने किया है। आज तक कभी नहीं सुना। बेटियों के लिए क्या किया? बेटियों के लिए भी इतना किया है, बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आज तक हमने कभी देखा नहीं था ऐसे। तो डर डर के रहती थी लड़कियाँ, इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो बाहरले देशों में भी जाके अपना नाम रोशन कर रही हैं पिताजी का। इतना लड़कियों के लिए कर दिया, और वेश्या जो हैं उनको बेटियाँ बना के उनकी शादियाँ कर दी, घर बसा दिए उनके। आज तक कभी सुना ही नहीं था, ना किसी ग्रंथ में पढ़ा था, ना किसी में पढ़ा, देख सुना भी नहीं था कभी, कानों में आवाज़ ही नहीं आई थी जो सतगुरु ने कर दिया। माँ वैश्या की शादी किस तरीके से होती थी? मतलब एक बंद कमरे में की जाती थी क्या? नहीं, सारी दुनिया के सामने करते थे। बंद कमरे में क्यों करते थे? वो सब सारी दुनिया के जो सब इतनी करोड़ों संगत आई, लाखों संगत आई हुई थी, उनके सामने करते थे। और एक काफ़ी मीडिया में और भी दिखाया गया था माफ़ी के बारे में, माफ़ी भी सबके सामने देते थे। गुफा की सच्चाई क्या है? गुफा में सारी दुनिया जाती थी, वहाँ कई कई लाख लोग जाते थे। फिर जो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कहना है? वो तो जिनकी दुकानदारियाँ ख़त्म होती हैं, बंद होती हैं, उनको दर्द था, ये उनको दुख था और कुछ नहीं। ये अच्छाई को देख के उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। आपका क्या मानना है ये सारे आरोपों के? ये सब झूठे हैं, सब हमारे सतगुरु को जान के फंसाया। सतगुरु के अंदर एक राई जितना भी कोई वो नहीं है। हमें 40 साल हो गए, हमने अपने सतगुरु के मुंह से कभी कोई अपशब्द नहीं सुना किसी के बारे में। किस धर्म को मानते हैं? सारे धर्मों को मानते हैं। कभी आपने किसी के बारे में भी? किसी के बारे में हमने 40 साल में कभी किसी के बारे में अपने कानों में नहीं सुना कि पिताजी किसी के बारे में गलत बोले। 3-4 साल होने वाले हैं अब गुरुजी समाज में नहीं है, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज? अब क्या बुरा हाल है, नशों की बाढ़ आई हुई है, इतना बुरा हाल है, कोई लड़कियों की कोई सेफ नहीं है बाहर दुनिया में, लड़कियों के लिए इतना बुरा हाल है। हमारे सतगुरु ने तो बहुत कुछ किया है, और तो यही सबको यही मत देते थे कि आप किसी की लड़की को अपनी बहन समझो, अपनी बेटी समझो, यही कुछ सिखा रहे थे, और जो कि अब किसी को सीखने को नहीं मिल रहा। ज़रूरत है आज उनकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर गुरु जी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे समाज? वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि दुनिया का सुधार हो जाएगा। जो आज ये गंदगी फैल रही है इससे दुनिया का छुटकारा हो जाएगा। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम तो यही अपील करेंगे कि जो लोग बोल, जो मीडिया वाले बोल रहे थे, उनमें से कुछ भी सच नहीं है। हमारे सतगुरु तो बिल्कुल पाक पवित्र हैं, और उनके ऊपर जो आरोप हैं सारे झूठे हैं, और उनको जल्दी से जल्दी बाहर भेजा जाए ताकि समाज का सुधार हो जाए। जो इतने मीडिया में दिखाया गया, लोगों ने उसी के द्वारा गुरुजी को जाना है, आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या मैसेज दोगे लोगों को? हम तो यही कह रहे हैं कि हमसे कोई पूछे आके कि हम 40-40 साल से हमने कभी अपनी आँखों से कभी कुछ नहीं देखा, उन्होंने कैसे बोल दिया यहाँ कुछ, वो आए नहीं कभी कुछ नहीं, कैसे बोल दिया उन्होंने?
हमें पूछे कोई आके। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये वो फैक्ट हैं जो 40 सालों से डेरा सच्चा सौदा के अंदर हैं, जो 40 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा को बहुत करीब से जानते हैं। आखिर सच क्या है, वो चंद सूत्र या ये लोग, ये आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए द फैक्ट है, जो सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत